नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करते हैं जिसे हम ए प्रायोराय या ए पोस्टेरियोराय कहते हैं। ए प्रायोराय का मतलब है किसी भी घटना को आपने देखा है, आपने एक्सपीरियंस किया है, उससे पहले ही आप उसके बारे में जानते हैं। ए पोस्टेरियोराय का मतलब होता है आपको वो घटना विदित हुई है, आपने उसे एक्सपीरियंस किया है, आपने प्रत्यक्ष में उसको समझा है और फिर आप उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझते हैं। प्रायोराय मतलब प्रायर, प्रायर मतलब पहले। तो आपके एक्सपीरियंस से पहले ही जो बात है वो ए प्रायोराय हो गई। अब मान लीजिए कि हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत है, तो ये हमें ज्ञान पहले से ही है, हमने जाके माउंट एवरेस्ट को देखा नहीं है, तो ये हो गया ए प्रायोराय नॉलेज। दूसरी तरफ हम ये बोलते हैं कि मुझे माउंटेनियरिंग का शौक है, इसलिए मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हूँ और जब मैं चढ़ी तो मुझे पता चला कि ये विश्व का सबसे ऊंचा पीक है, तो ये नॉलेज मेरे एक्सपीरियंस से आई है और इसे मैंने ए पोस्टेरियोराय नॉलेज कहा। तो कभी भी ज्ञान को हम क्लासिफाई करेंगे, नॉलेज को हम समझेंगे, तो वो या तो ए प्रायोराय हो सकती है या ए पोस्टेरियोराय हो सकती है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाहे पहली क्लास का बच्चा हो, दसवीं का हो या कॉलेज का हो, सभी बच्चों को अगर मैं 2+2 पूछूंगी क्या है, तो सही जवाब आप यही कहेंगे कि 4 है, तो ये ए प्रायोराय नॉलेज हो गई। इसी तरीके से गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एप्पल जो है पेड़ से गिरता है, ये ए प्रायोराय नॉलेज है। आपने सही में जाके खेत में एप्पल को गिरते हुए तो नहीं देखा है, सेब को गिरते हुए नहीं देखा है, सिर्फ आपका मानना है क्योंकि ऐसी नॉलेज है, आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो ये ए प्रायोराय हो गई। दूसरी तरफ मैं खेत में जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि सेब के पेड़, एक पेड़ है जहाँ पर बहुत सारे सेब लदे हुए हैं और उसमें से कुछ सेब नीचे गिरते हैं, तो मैंने बोला कि हाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये ए पोस्टेरियोराय नॉलेज हो गई। तो ए प्रायोराय और ए पोस्टेरियोराय बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं आपके तर्क और दर्शन को आगे समझने के लिए। आप सब्सक्राइब रहिए आगे के सभी बेहतरीन टॉपिक्स के लिए, इन सभी से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हम लेके आएंगे। तो अगर कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।